व्हाट इज अ फाइटर्स आदर्श हो। तो आज के वीडियो में चेक करने वाले हैं कि आपके लिए एस एस फाइटर्स लेने के लिए कौन सा सेट ज़्यादा बेटर है, आकने सेट या फिर हम लोग का जो वॉल्यूम 3 का सेट आया हुआ है वो वाला। तो उसे चेक करने के लिए हम सीधे सीधे डंजन में और हम लोग खेलेंगे मेका स्पाइडर वाला मोड। और यहाँ पर अगर हम कियो का बात करें तो कियो को हम यहाँ आकने सेट दिए हुए हैं और यहाँ पर कूलडाउन कार्ड में हम इसको दे देते हैं एचपी कार्ड। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्रिटिकल रेट मिलता है जिंटामा कार्ड से और क्रिटिकल रेट जहाँ भी कुछ तो फिक्स तो है नहीं, आरएनजी है वो, तो कब एक्टिवेट होगा कब नहीं और हम लोग का डैमेज फ्लक्चुएट करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं जितना हो सके उतना हम लोग को एक्यूरेट डैमेज हम लोग को मिले। और यहाँ पर मेरे स्ट्राइकर है लेडी मैक्सिमा है तो हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम लोग सीधे जाएंगे और अपने स्किल को स्पैम करने वाले हैं। तो हम लोग सीधे चलते हैं वहीं पर। और गाइस आप लोगों को क्या लगता है कौन सा कार्ड जीतेगा, हम लोग का आकने सेट या फिर हम लोग का वॉल्यूम 3 का एसएस सेट? तो हमको लगता है कि आकने सेट शायद जीत जाए, शायद, हम एग्जैक्टली उसके लिए श्योर नहीं है मगर होप करते हैं आकने सेट ही जीते। आप लोगों को क्या लगता है गाइस नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलो और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी सिंपल जाएंगे खाली उसके पास खड़े हो जाएंगे और जब हम लोग का अवेकनिंग एक्टिव हो जाएगा तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग डॉज करते हैं खाली, मतलब गार्ड करते हैं। हम लोग जैसे अवेकन स्किल एक्टिवेट हो जाएगा हम लोग सिर्फ स्किल्स को स्पैम करेंगे और एक बार किसी भी स्किल को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का स्किल स्टार्ट। एक कौन जीता है गाइस, हम लोग का डैमेज अभी 13 मिलियन पहुंच गया है। ओके गाइस हम लोग 27.8 मिलियन पहुंच गए हैं, ठीक है, मतलब 27. हाँ हम लोग इसको 28 मिलियन मान के चलते हैं। तो आकने सेट हम लोग को दिया है 28 मिलियन, हम लोग इसको ऐसे ही मान के चलते हैं। और चलो अभी इसको हम लोग क्यूट कर लेते हैं। तो हम लोग को मिला है 28 मिलियन, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिए हैं, वो ज़्यादा भी हो ही जाएगा क्योंकि हम खाली एक एक स्किल को एक ही बार इस्तेमाल किए हुए हैं। ये भी है कि जब हम लोग प्रॉप हुआ उसको उसी समय इस्तेमाल किए हुए हैं। तो अब हम लोग जल्दी से एस एस सेट को इक्विप कर लेते हैं, गेरा तो एक एक करके इक्विप कर लेते हैं। और सीपी मेरा पिछली बार 72,000 था, हम लोग देखते हैं हम लोग का सीपी इंक्रीज़ होता है कि नहीं पहले से। अभी इसका सीपी कितना होने वाला है? ओके हम लोग सीपी कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ गाइस, हम लोग का आकने सेट हम लोग ज़्यादा सीपी दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सीधे इसी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ अगर आप लोगों को सेट से होता क्या ये नहीं पता तो आपको अभी बता देते हैं कि आप इसको ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग को यहाँ एक एक कार्ड पे 7% अटैक मिल रहा है, मतलब 21% अटैक। और यहाँ पर हम लोग का एसएस फाइटर्स का बर्न और चिल डैमेज 75% इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर इंक्रीज डैमेज बाई 20 seconds फॉर 5 seconds में स्पेशल सिग्नेचर फाइटर लैंड एंड एक्टिव स्किल। तो यहाँ पर हम लोग का डैमेज 20% से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसीलिए अब हमको देखना कि कौन जीतेगा। और ये हम लोग के लिए एसएस फाइटर्स के लिए ये पहला वाला इफेक्ट है और यहाँ पे हम लोग का की एसएस वर्जन वाला है। तो हम देखते हैं कि कौन जीतता है, तो हम लोग इसी लेके चलते वापस। चलो आइस हम लोग का वही सीन रहेगा, जब हम लोग का अवेकन स्किल एक्टिव होगा उसी समय उसको इस्तेमाल करेंगे और एक एक स्किल को सिर्फ एक ही एक बार हम लोग स्पैम करने वाले हैं। मतलब बार बार एक एक स्किल अगर प्रॉप करते हैं तो उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक स्किल को एक ही बार इस्तेमाल करेंगे पूरा रोटेशन कंप्लीट करते हुए। तो हम लोग यहीं पर आ गए हैं वापस, हम लोग उसके पास चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे हम लोग अपना गार्ड कर लेते हैं। ओके 7 seconds मोर। अच्छा गाइस आप लोगों के यहाँ स्कोर कितना पहुँचा है इसे नीचे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ठीक है हम लोग का रेडी हो गया, 1, 2, 3 चलो। ओके तो यहाँ हम लोग का ऑलमोस्ट 1 million ज़्यादा डैमेज हुआ है गाइस। हम लोग को उस समय 27.8 समथिंग था और यहाँ पे हम लोग का 28.8 है। तो गाइस यहाँ हम लोग देख चुके हम लोग का ऐसा सेट आकने सेट से बेटर निकल के आया है इस मामले में। क्यों ना हम लोग एक और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हम लोग का वैल्यूज को चेंज होता है कि नहीं। तो हम लोग इसको करते हैं क्विट और हम लोग वापस से इसको खेल के देखते हैं कि क्या पता हम लोग का डैमेज और इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो जाए, क्योंकि हम लोग का बहुत सा आरएनजी यहाँ पे प्ले आउट कर रहा है। तो गाइस हम लोग वापस से प्ले करते हैं और पहले राउंड में तो हम लोग का कूला मैक्सिमा वाला कार्ड जीता है, इस बार देखते हैं कौन जीतता है। हम लोग पास जाके ब्लॉक करके रखे रहेंगे। ओके हम लोग का अवेकनिंग स्किल जल्दी से एक्टिव हो जाए। ठीक है चलो 1, 2, 3 ओके तो यहाँ हम लोग का डैमेज पिछली बार से थोड़ा कम हुआ है, हम लोग का 1 million डैमेज कम हुआ है। और एक बार हम लोग वापस आकने सेट को ला के देखते हैं।
तो ठीक है गाइस, हम लोग का सीपी भी इंक्रीज़ हो गया है और आखिरी सेट भी हम लोग इक्विप कर चुके हैं। तो देखते हैं इस बार कौन ज़्यादा डैमेज करता है। हम लोग का स्कोर भी 28-27 करके है और पहले में हम लोग का आखिरी सेट भी 28 किया था। देखते इस हम लोग का 1 मिलियन डैमेज कम हुआ है इस बार। देखते हैं आखिरी में इस बार क्या होता है। चलो उसके ब्लॉक करो। चलो क्योंकि हम लोग का वेकन वन। चलो ठीक है ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कितना डैमेज पहुंचता है। ओके, हम लोग सिर्फ 28 मिलियन को इस बार टच किए हैं। तो एक चीज़ गाइस समझ में आ गया हम लोगों को कि आखने सेट हम लोग को 28 मिलियन के आसपास के स्कोर दे रहा है, मगर हम लोग का जो कूला सेट है वो हम लोग को 28 एंड अबव भी दे ही रहा है। तो इससे हमको तो यही समझ आ रहा है एसएस फाइटर्स के लिए एसएस वॉल्यूम 3 कार्ड ही ज़्यादा बेटर निकल के आया है, क्योंकि वो हम लोग कंसिस्टेंटली 28 एंड अबव मिलियन का हम लोग को स्कोर दे ही रहा था। तो इसी के लिए अगर हम बोले कि जहाँ पे हम लोग को जैसे कि जब बर्न का ज़रूरत है, हम लोग का इमॉर्टल राख हो गया या फिर चिल का ज़रूरत है, जहाँ इमॉर्टल टाइफोन हो गया, तो वहाँ पे हमको लगता है कि एसएस वॉल्यूम वाला कार्ड लेके जाना ही बेटर होगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो आपको मज़ा आया होगा, तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।